हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स फैमिली, पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए अभी अभी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है इस जनवरी मंथ में, क्योंकि एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है कैबिनेट की, जिसमें कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के कई सारे जो पेंडिंग इश्यूज थे, चाहे वो 18 मंथ्स का डीए एरियर्स हो, चाहे उनके फिटमेंट फैक्टर हो, या इसके अलावा जो है उनका न्यूनतम सैलरी, न्यूनतम पेंशन और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस हो, इन सब पर एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, कब ये मीटिंग होने जा रही है, क्या क्या इसमें और भी सारे पेंडिंग इश्यूज होंगे, पूरा हम डिटेल में जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अभी भी 50% लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियोस तो कंटिन्यूस देखते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की आगे की इसी तरीके से लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगा और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से जो है सारी चीज़ें अपने जान पाएंगे। चलिए आपको सीधा लेके चलते हैं बड़ी न्यूज़ पर। बेसिकली आप सभी को पता है कि कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की शुरू से ही कई सारी डिमांड्स रही हैं, जिनमें से पहली डिमांड हमेशा रही है, वो रही है पिछले कुछ दिनों से 18 मंथ्स के डीए और डीआर की। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि अब आपको 38% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिया जा रहा है, लेकिन अब जो है जल्दी आपको जनवरी 2023 से 42% यानी कि 42% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत पर मुहर लग सकती है। बस एक मंथ का यानी कि दिसंबर मंथ का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा है वो आना बाकी है। जैसे ही वो आ जाएगा तो आपको 42% ऑफिशियल स्टेटमेंट भी इसका जारी होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से, ये भी जारी होगा। साथ ही साथ इसमें आपको 3 मंथ का तक का एरियर भी मिलेगा। यूजुअली जो है इसके अनाउंसमेंट मार्च मंथ यानी होली के महीने से पहले कभी भी होती है, लेकिन होली के पहले इसमें अनाउंसमेंट होगी, साथ ही साथ आपको 2 से 3 मंथ्स का इसमें एरियर भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये तो बात रही आपके जनवरी 2023 की, जो मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताता रहा हूँ, लेकिन अब बात करते हैं 18 मंथ्स की डी ए डी आर की, जिसमें एक जिसके रिगार्डिंग एक बड़ी कैबिनेट बैठक हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, मीटिंग में एक बड़ी खबर आ रही है, मीटिंग में जो है ये सारी चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं। और कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस यानी कि जो FMA है, यानी ऐसे पेंशनर्स और कर्मचारी जिनका जो है नॉन CGHS एरियाज में रहते हैं और उनको वहाँ पर OPD के मेडिसिन के खर्च के लिए सिर्फ 1000 रुपये उनको दिया जाता है, जो कि प्रेजेंट टाइम को देखते हुए काफ़ी कम है, क्योंकि इस टाइम पे मेडिसिन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में 1000 रुपये जो नॉन CGHS एरियाज में रहते हैं पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स, उनको बहुत कम पड़ते हैं। ऐसे में जो पेंशनर्स एसोसिएशंस हैं वो लगातार इसके रिगार्डिंग सरकार से बातचीत भी कर रहे थे कि सरकार जो है 1000 रुपये से बढ़ा करके 3000 रुपये तक इसमें कर दे। हालांकि इसमें कुछ दिनों पहले सरकार का आंसर्स भी आया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से, जिसमें उन्होंने बोला था कि इस पूरे मैटर को वो देख रहे हैं, मैटर अंडर कंसिडरेशन है, जैसे ही उसमें कुछ ना कुछ अपडेट आएगी वो हम आपको ज़रूर बता देंगे। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि कुछ ना कुछ बीच का रास्ता जरूर निकलेगा फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस पर, क्योंकि इसमें सभी को पता है कि 1000 रुपये फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के तौर पे जो नॉन CGHS एरियाज में रहते हैं पेंशनर्स, उनको बहुत कम पड़ते हैं। अब जो है उसमें हो सकता हो आगे आने वाले दिनों में 2000 रुपये आपके हो जाएँ या 3000 रुपये तक भी आपके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के तौर पर आपको दिए जा सकते हैं। अब बड़ी खबर एक और जो आ रही है, वो आ रही है आपके जो है न्यूनतम पेंशन और न्यूनतम सैलरी पर, और फिर मैं वीडियो के आपको लास्ट में बताऊँगा कि आपको जो है कब आपकी ये मीटिंग होने जा रही है और क्या उसमें आउटपुट निकल कर आ सकती है, आ सकता है, और क्या क्या और उस मीटिंग में कौन कौन से अधिकारी जो है उसमें बैठक में शामिल हो सकते हैं। अब जो बड़ी खबर आ रही है वो बड़ी खबर आ रही है आपके सैलरी और पेंशन पर, न्यूनतम सैलरी और पेंशन पर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपको जो बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन है वो आपको 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशंस के हिसाब से आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। यानी पेंशनर्स की बात करें तो पेंशनर्स को 9000 रुपये बेसिक पेंशन, और साथ में अगर कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारियों को 18000 रुपये बेसिक पेंशन के रूप में दिया जाता है। लेकिन अब जो है कर्मचारियों और पेंशनर्स और यूनियंस की जो है लगातार सरकार से ये रिक्वेस्ट रही है, ये डिमांड रही है कि कर्मचारियों, पेंशनर्स, साथ ही साथ जो फैमिली पेंशनर्स है उनकी बेसिक पेंशन में भी बढ़ोतरी की जाए। आप सभी को पता है कि पेंशनर्स जो हैं
अपनी मिनिमम पेंशन जो 9,000 रुपये है उसको 13,500 रुपये या 13,000 रुपये तक की बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वहीं कर्मचारियों की अगर बात करें तो अपनी बेसिक में 18,000 रुपये से लेकर के 25,000 से 26,000 रुपये तक कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ाने की बात हो रही है। इसमें भी एक बड़ा आंसर आया था सरकार का, सरकार ने बोला था कि अभी है ना सरकार इस सिचुएशन में नहीं है कि पैसे और पेंशन और सैलरी बढ़ा सके। हालांकि मीडिया में ये भी खबरें आई थी कि इसमें कुछ ना कुछ मैटर आगे हो जो होगा वो आपको ज़रूर अपडेट कर दिया जाएगा जो भी सरकार की तरफ से या ऑफिशियल स्टेटमेंट जो भी इसमें निकल कर आएगा। हालांकि पेंशनर्स और एसोसिएशंस जो भी हैं यूनियंस हैं उन्होंने सरकार को पेंशन के बढ़ोतरी के 2 ऑप्शनल भी रखे थे। आप सभी को पता है कि कर्मचारियों को हर साल 3% महंगाई 3% बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है, तो उसके बेसिस पर ही पेंशनर्स एसोसिएशन ने सरकार के सामने एक रिक्वेस्ट की थी कि जो है उनको पेंशन में एटलीस्ट 1% की बेसिक में बढ़ोतरी की जाए। आप भी हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से भी क्या लगता है कि आपको 1% मिनिमम बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। अब बात करते हैं इसमें दूसरी बड़े प्रपोजल की। उन्होंने दूसरा प्रपोजल ये दिया था कि पेंशनर्स को कि सरकार को कि सरकार जो है एटलीस्ट अगर 1% की बढ़ोतरी नहीं कर सकती तो हर साल 5 साल के एक ब्लॉक ईयर में यानी कि 60 से 65 साल में आपको जो है 5% बेसिक में बढ़ोतरी, 65 से 70 साल में 5% की, और फिर 70 से 75 साल में 5% की, और 75 से 79 ईयर्स के बीच में 5% की बढ़ोतरी की जाए। और आप सभी को पता है जैसे कि सातों वेतन आयोग के रिकमेंडेशंस के हिसाब से आपको 80% में 20% बढ़ोतरी की जाती है आपकी बेसिक पेंशन में, और 80% जब आप ये एज ईयर जो कंप्लीट कर लेते हैं उसमें आपको जो है पूरी पेंशन यानी 100% पेंशन आपको वापस कर दी जाती है। लेकिन ये एज बहुत ज़्यादा होती है, मोस्टली जो पेंशनर्स होते हैं वो 60 से 80 साल के बीच में ही होते हैं, और इन अगर पेंशनर्स को वाकई में पेंशन बढ़ोतरी का तोहफा मिल जाता है और तो वैसे पेंशनर्स को बहुत ज़्यादा राहत देखने को मिलेगी, क्योंकि पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में किसी भी तरीके से बढ़ोतरी नहीं होती है। साथ ही साथ सिर्फ महंगाई राहत ही उनका यानी डीआरएनएस रिलीफ ही उनका एक जो है आश्रा होता है जिससे उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर वाकई में पेंशन में उनकी बढ़ोतरी हो जाती है तो उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होने से उनको काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सकेगी। ऐसे में कर्मचारियों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को तीनों को बड़े फायदे होने की उम्मीद हो रही है, क्योंकि अगर पेंशन में और सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी कर दी जाती है तो उनको तीनों को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। लेकिन इसी बीच जो है एक और बड़ी खबर आ रही थी कि सरकार जो है पेंशन और फैमिली पेंशन जिस तरीके से उसमें बढ़ोतरी होती है पेंशन और सैलरी पेंशन में वो फिटमेंट फैक्टर की वजह से होती है। फिटमेंट फैक्टर आपको पेंशन में जो है 2.57 गुना के बेसिस पर दिया जाता है, तो फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की बात की जा रही थी। यहाँ दोस्तों मेडिकल मीडिया में अभी ऐसी खबरें आ रही थी कि जो आपका फिटमेंट फैक्टर है वो 2.57 गुना से बढ़ा करके 3.68 गुना तक कर दिया जाएगा। अगर बेसिक में बढ़ोतरी नहीं होती है लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी हो जाती है तो ऐसे में पेंशनर्स और कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा राहत होगी, और बेसिक पेंशन जो है आपकी 9,000 रुपये से बढ़ करके 13 से 14,000 रुपये तक जा सकती है। वहीं अगर कर्मचारियों की बात करें तो उनकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़ करके 25,000 रुपये तक पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन अभी ये खबरें मीडिया में ही आई हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी क्लियरेंसेस या कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं जारी किया गया था। लेकिन एक बड़ी मीटिंग हुई इस मंथ के लास्ट तक जिसमें कर्मचारियों पेंशनर्स मीडिया में भी खबरें आई थी कि लास्ट तक जिसमें पेंशनर्स और कर्मचारियों के कई सारे इश्यूज का जो है उसमें कोई ना कोई निपटान हो सकता है, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल सकता है। आप क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इनमें से कौन कौन से आपको जो है सुविधाएँ मिलनी चाहिए, कौन कौन सी